दुल्हनिया इयररिंग्स. टू बी ऑनेस्ट, पिक्चर में देख के मुझे लगा था कि और काफी बड़ी आई है. आई होप इट डजंट मेक माय हेयर चंपुआ. कॉफी नहीं लग रहा है कोई भी एंगल से. हर फैमिली का ना एक फिक्स शो रहता था दैट लव वॉचिंग टुगेदर, एंड फॉर मी दैट इज शार्क टैंक इंडिया. पहले से मम्मी और मैं देखते थे, पापा इस जजेस की क्या देख रहे हो तुम लोग, बट वो भी ना ऐसे वॉक करते करते खड़े जाते थे, उनको भी इंटरेस्ट आ जाता था कि अच्छा व्हाट्स हैपनिंग. सो टुडे वी आर ट्राइंग आउट 5 to 6 डिफरेंट ब्रांड्स दैट फीचर्ड इन द सीजन 3 ऑफ शार्क टैंक इंडिया. हियर इज द फुल स्टैश. लेट्स सी दैट एक्चुअली लाइक व्हाट वी सी ऑन टीवी और इफ दे आर नॉट वर्थ आवर मनी. As you can see, मेरा look complete नहीं है. I'm not wearing any earrings or any jewelry, and that's because the first brand we're trying is a little extra cool. They make fun, quirky earrings, especially they have other stuff, but earrings is their main product. And I have been following them on Instagram बहुत पहले से, because their content is a lot of fun. So seeing them on Shark Tank was like really nice. So start off, the packaging is very normal. It's a normal courier bag. There could have been a sticker or a branding on this. ओके, ऑन द इनसाइड यही सेम स्टिकर या सिर्फ इतू सा ब्रांड भी बाहर बहुत अच्छा लगता है. बट दिस डब्बा इज वेरी क्वर्की, वेरी एनर्जेटिक. इसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स गिविंग पॉजिटिव वाइब्स. छोटू सा कार्ड है सेइंग डोंट वरी बी हैप्पी. नाउ आई नो व्हेन यू सी दीज इयररिंग्स यू विल फ्रीक आउट की हेली आर यू कीपिंग अ सीक्रेट फ्रॉम अस. नो आई एम नॉट. हूएवर हैज वॉच्ड द क्यू एंड ए विल नो कि मैंने एकदम ट्रांसपेरेंटली आपको बताया है. बट आई थिंक दे हैव सेंट अ कपल ऑफ एक्स्ट्रा पेजेस, बट द फर्स्ट वन वी ऑर्डर्ड. ओह माय गॉड, इट्स सो सुंदर. आई थिंक आई नीड माय कटर फॉर इट. वी हैव द हनिया इयररिंग्स. हैव अ लुक. लाइक द फिनिशिंग ऑन दिस इज सो गुड. बहुत ही क्लियरली पढ़ने में आ रहा है वो द ब्रिटन एंड द बीड्स लुक सो रीगल. मतलब क्वालिटी ऑफ दीज इज अनमैच. सो नो, समय शादी का डेट कुछ नक्की नहीं हुआ है अभी तक. एंगेजमेंट इज ऑल्सो नॉट डन येट, बट आज नहीं तो कल होनी है. एंड दिस इयररिंग इज समथिंग आई हैव नेवर सीन बिफोर. दैट्स व्हाई आई वाज लाइक ये लेके रख देते हैं, जब सही टाइम आएगा उसको यूज कर लेंगे. इनका एवरेज प्राइस पॉइंट था 500 रुपीज, बट दीज वंस वर फॉर 650 रुपीज, बिकॉज इट्स बिग, इट हैज अ लॉट ऑफ हैंडवर्क इन दिस. पहन के बहुत अच्छी लगेगी, बट आई एम नॉट ट्राइंग देम ऑन राइट नाउ. वी ट्राई देम ओनली व्हेन अपना खुद का फंक्शन होगा. द अदर थिंग आई गॉट फ्रॉम देम वॉज दिस हर इयररिंग. वो जो अल्फाबेट इयररिंग्स होता है वो काफी कॉमन है, बट दिस हिंदी वंस वो भी ब्रास इफेक्ट में, वो समथिंग दैट रियली स्टूड आउट टू मी. ये 250 रुपीज की थी, एंड टू बी ऑनेस्ट पिक्चर में देख के मुझे लगा था कि और काफी बड़ी आई. आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट इतना बड़ा होगा, बट देर quite tiny compared to that. But this is what I want to wear today, क्योंकि if I'm getting any opportunity to give a desi touch to my outfit, I'm gonna take it. Cute लग रही है यार, काफी lightweight भी है. Feels like I'm not wearing anything. It's paper light. Wow. इनके वेबसाइट पे there were a lot of options to be honest. There were neck pieces, there were fabric earrings, and there were some pieces जो मैंने जनपद में देखे थे in Delhi, which is why I thought of buying something handwork and exclusive जो उनका collection हो. Delivery was very very quick and on time, and website ka interface bhi kafi acha tha. They also had a sales section which is nice, and overall experience here was 9/10. I really really liked it. The second brand we're trying is Arata. Now Arata is majorly like a hair care brand, and the website had a lot of variety of different products. I really like about the packaging ki chota aur compact hai. Kitni baar aisa hota hai, especially from e-commerce websites where you order one chhota sa item par wo itne bade dabbe mein aata hai, and then it's just a wastage of lot of resources. So big props to that. Second thing that I really appreciate is they have marketed very well. It's a chhota sa sticker. It doesn't even cost like 1 rupee to add to your packaging, but ye बहुत ही स्टैंड आउट कर गया. वेन इट केम, दिस इज द ओनली ब्रांड दैट एक्चुअली पुट द शार्क टैंक इंडिया ब्रांडिंग ऑन द आउटसाइड. सो बिग प्रॉप्स फॉर द मार्केटिंग टीम टू डू दिस. नाउ आई एक्चुअली वेंट फॉर समथिंग विच इज अ नो टॉक्सिक ऑल नेचुरल वीगन एंड क्रुएल्टी फ्री हेयर स्टाइलिंग जेल, बिकॉज हेयर स्टाइलिंग इज समथिंग दैट जब ऐसे फ्लाई अवेज होते हैं, एंड इवन फॉर मेन लाइक यू समटाइम्स नीड सम प्रोडक्ट सो दैट यू कैन लेट योर हेयर स्टे अप इन प्लेस. एंड द वंस आर लाइक गैट्सबी के जो आता है ना 100 रुपी वाज नॉट ऑलवेज द बेस्ट फॉर है. So I thought ki let's try this out. Very very affordable prices I found on the website. They had different sizes. So the 50 ml I got for only 199 rupees. Isme badi tube bhi thi, but this big of a quantity for 199 is not bad at all. Let's see the product now. Seal hai, which is good. It's proper transparent. Aloe vera gel wala vibe de raha hai. Very interesting. Let's try it. I hope it doesn't make my hair champua. I don't like that oily look. But let's see if it reduces my flyaways. What do you think? Let's see. Oh, definitely a big difference. क्योंकि मैं white wall के आगे बैठी हूँ, so
we can just skip to like 15-20 seconds before in the video and see ki white wall pe na chote se chote baby hair dikh ke aata hai, but right now it's looking very clean and nice. Plus I'm not feeling heavy on my hair. I love this. An Indian brand making such a good product is, it's making me so happy. This is a shaping gel for a nourishing and strong hold. Ingredients mein dekhe to there's water, flaxseed extract, then there's some natural moisturizer, there's some sugar based thickener, so it's very interesting. Geele baal or dry hair dono pe use kar sakte hai, and I think this is gonna go to Kumar because he loves using hair styling products and I hate it when he uses a lot of chemical on his hair. So this is gonna go to him, but I'm also going to use it occasionally. Product gets like a 10 out of 10 from me. Bahut acha laga. And an interesting experience on the website was ki they were giving a special 10% off coupon code if you WhatsApp them, and that way they can get your number and data. And I know that can be scary, but you can be updated with all the discounts and all the offers. So this was very nice. I think we also availed the 10% off. Combos bhi the on different hair products, and they had अलग हेयर टाइप्स के लिए भी स्पेशल प्रोडक्ट्स लाइक कलर्ड है और कर्ली है. सो इट लुक लाइक दे हैड डन देयर प्रॉपर रिसर्च इनटू दिस वन सेगमेंट. नीश पकड़ी बट अच्छे से पकड़ी. सो अराटा फ्रॉम मी गेट्स अ 10 out of 10. आई लव इट एंड डेफिनेटली गोना शॉप फ्रॉम देम अगेन. फॉर पीपल लाइक मी जिनको चाय और कॉफी दोनों ही ज्यादा सूट नहीं करती, बिकॉज इफ अगर मैंने गलती से भी खाली पेट चाय पी ली द एसिडिटी इट गिव्स मी, एंड कॉफी से मुझे लाइक माय नर्व्स स्टार्ट giving me a bit very weird feeling. Both of them basically don't suit me. Hot chocolate is the only drink we can enjoy when we go to cafes, but every single time I don't feel like spending 300-400 rupees on bahar ka hot chocolate. So we have the brand Tiggle, which featured on Shark Tank. One thing that I really liked is ki usme aise bataya tha ki the cocoa beans are rooted from Tamil Nadu. Apne khud ke haath se is something I'm very excited to try. The website did not really have many products. Amazon पे भी थे पर 2-3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे. दे हैड वीगन मार्शमेलोज जो काफी अट्रैक्टिव था, बट इट फील्स लाइक द होल ब्रांड इज रिवॉल्विंग अराउंड द हॉट चॉकलेट एक्सपीरियंस. क्योंकि मार्शमेलोज इज ऑल्सो समथिंग जो आप टॉपिंग के तौर पर डालते हो. व्हाट इज रॉन्ग विद मी, इतना फाड़ने के बाद भी आई एम नॉट एबल टू. ओके फाइनली हियर वी हैव इट. ओह नाइस, दे सेंट टू एक्स्ट्रा थिंग्स विद दिस. वी हैव अ लेटर, 309 वर्ड्स लॉन्ग लेटर. दैट इज लाइक द फर्स्ट thing that I see they've written. Wow, this is very nice. जो लोगों ने Shark Tank का show नहीं देखा है, for them they're explaining their whole story through this, and I think that is very very nice. The whole idea is to relive your childhood happiness where nothing is impossible and everything is beautiful. तो वो लोग emotionally connect करने का try कर रहे हैं. We've now brought India's first 55% dark iced chocolate made from real chocolate flakes to help you beat the heat. Wow, iced chocolate drink. Something very new, never heard of it before. So what we have is not that, but वो लोग अपना new product भी बता रहे हैं कि what they've launched, and they've given a cute little postcard. Oh, that's nice with a word search उसके पीछे. This is what we have. We have double roasted cocoa beans से बना हुआ hot chocolate powder, and this is a dark hot chocolate. I am a dark chocolate fan, जो कड़वी भी लग सकती है, but that is actually chocolate. Otherwise वो sugar ही ज़्यादा होता है in the normal dairy milk or any other chocolate that we buy over the counter. This makes 10 cups, which is only 30 rupees a cup. 299 का packet था ये. How to make? Add 3 tablespoons of Tiggle mix to 150 ml milk. I'll have to order milk from Swiggy Instamart. मैं वो लाना भूल गई. Boil and keep stirring for 1-2 minutes, and it's ready. Okay, I'm gonna order milk right away, and this better make thick hot chocolate, क्योंकि मुझे वो Bonvita वाला feel नहीं चाहिए यार. It has to be thick and indulgent. तभी जाके मजा आता hot chocolate का. So let's go and make some hot chocolate. Turned out exactly जैसे मैं कैफे में पीती हूँ, because मैंने ingredient list check करा, उसमें ना gluten free corn flour भी है, and corn flour से हमेशा चीजें बुरी सी thick हो जाती है, and I love thick hot chocolates. Ingredient list में सबसे पहली चीज भी sugar थी, so I checked that per serve there's like 13 grams of sugar, and if they replace this with jaggery then they would become my go to hot chocolate brand. फिर I would feel like at least मैं कुछ better तो खा रही हूँ घर पे रह के, but yeah that is an improvement point. I think it's now time to taste it. हाँ, वो जो वियर्ड स्मेल थी ना उसमें क्या हो गया था कि नीचे चिपक गया था बहुत सारा हॉट चॉकलेट, सो वो जल गया था ऑन द बॉटम ऑफ द पैन, एंड दैट इज व्हाट इज गिविंग मी अ वियर्ड स्मेल. आई होप वो बर्न टेस्ट हॉट चॉकलेट से ना आए.
आ तो रहा है वो जला हुआ टेस्ट. ओके, टेस्ट रियली गुड. आई थिंक इट इज एन एरर फ्रॉम माय साइड. इंस्ट्रक्शंस में लिखा था कि वी हैव टू कीप स्टरिंग इट कंटिन्यूअसली फॉर द 1 to 2 minutes ऑफ कुकिंग इट, एंड आई वाज स्टरिंग इट विद दिस छोटू सा स्पून बिकॉज आई डिडंट ब्रिंग अ लेडल ओवर हियर. तो अगर हम प्रॉपरली लेडल से इसको स्टर करेंगे ना तो नीचे चिपकना नहीं चाहिए एंड देन दिस वियर्ड फंकी टेस्ट शुड नॉट कम. बट कीपिंग दैट असाइड, इट्स वेरी रिच एंड डेकेडेंट, मच बेटर देन एनी अदर हॉट चॉकलेट पाउडर दैट आई हैव ट्राइड बिफोर. आई थिंक आई एम गोना डेफिनेटली बिकम अ टिकल कस्टमर फॉर द हॉट चॉकलेट क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया. लाइक द कंसिस्टेंसी दे नेल्ड इट एंड द टेस्ट, आई नीड टू ट्राई एंड मेक इट अगेन टू सी इफ इट कैन बी बेटर. आई डोंट थिंक इसमें 10 सर्विंग्स बनेंगे. आई नो दे मेजर्ड इट बट आई मेड 3 कप्स एंड ऑलरेडी मेरा हाफ पैकेट खत्म हो चुका है. सो आई थिंक फॉर मी इसमें सिर्फ 6 to 8 सर्विंग्स बन सकते हैं एंड आई गिव दिस एन 8/10. या आफ्टर ट्राइंग इट मोर मे बी माई स्कोर कैन इंक्रीज बट अभी फॉर द फर्स्ट इंप्रेशन इट्स गुड. आई एम गोना ट्राई मोर ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट ब्रांड इज कलाकारम एंड दे आर फोकस्ड ऑन मेकिंग DIY kits and art kits, and if there's any proper target customer, it's me right here. Because bachpan se I would love those bracelet making kits and a pot. आधे से नहीं, वुड हैव टू पेंट इट. और फिर वो फ्रेंडशिप बैंड, यू नो स्कूबीज हम बनाते थे बचपन में, प्लास्टिक का वायर आता था. लाइक एवरी थिंग, ऑलमोस्ट ऑल DIYs आई हैव ट्राइड इट आउट. सो अ डेडिकेटेड ब्रांड एंड वेबसाइट टू दैट वॉज लाइक हेवन फॉर मी. बेस्ट पार्ट वॉज कि दे हैड डिफरेंट एज ग्रुप के लिए डिफरेंट डिफरेंट किट्स. सो इट्स नाइस टू स्पेंड सम गुड टाइम विद योर किड्स ऑल्सो इफ यू वॉन्ट डू लाइक एन एडल्ट क्राफ्ट पार्टी. सो दैट वुड बी नाइस. कैन यू गेस कि मैंने क्या ऑर्डर करा? द ऑप्शंस वर, देयर वाज अ सोप मेकिंग किट, मंडाला मेकिंग किट, लिप balm making kit. How cool is that? Then there was a candle making kit, if I have not already said that. Yeah, and macrame kits were also there. So in paanchon mein se what do you think I got? I'm giving you 5 seconds till I open this. Tab tak you comment and guess. No cheating. On the packaging, they have actually put their brand name in the choto-choto squares, but it's honestly too small. थोड़ा अगर बड़े में कर देना, इट हेल्प्स विद विजिबिलिटी. लाइक इमेजिन अ डिलीवरी गाय वॉकिंग फ्रॉम द मेन गेट टू योर डोर, तो जब वो ब्रांड नेम दिखता है एक्चुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक जब H&M एंड ज़ारा कैसे अपने पेपर बैग्स पे एकदम बड़े में लिखते हैं, दैट वुड हैव बीन बेटर बिकॉज़ दे आर ऑलरेडी स्पेंडिंग ऑन कस्टम पैकेजिंग. एंड करेक्ट आंसर इज कैंडल मेकिंग किट, एंड टू बी स्पेसिफिक बबल कैंडल मेकिंग किट. या सिंस अ ईयर और टू दीज कैंडल्स हैव टेकन द इंटरनेट बाय अ स्टॉर्म. इंस्टाग्राम पे सब जगह दीज बबल कैंडल्स आर सो वायरल एंड दे आर अ लिटिल बिट प्राइसी. यू नो इवन द छोटू कैंडल्स समटाइम्स कम फॉर लाइक 200-300 ईच. सो वी गॉट दिस किट फॉर 1039. इसका MRP था 1150 बट देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिस्काउंट ओवर देयर. व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स? सो आई रियली लाइक दैट दे हैव गिवन सोय वैक्स. सोय वैक्स इज मच बेटर देन द पैराफिन और नॉर्मल वैक्स दैट यू हैव. देन वी हैव टू डिफरेंट सिलिकॉन मोल्ड्स, एक बड़े वाले के लिए, एक छोटे कैंडल के लिए. वी हैव सम कैंडल विक्स और कैंडल विक सस्टेनर्स जिससे विक बैलेंस होगा एग्जैक्टली इन द सेंटर. सम विक्स, सम व्हाट आर दीस स्टरर्स टू मेक श्योर देयर इज नो लंप्स इन द वैक्स जब हम हीट करें. फ्रेग्रेंसेस और वैक्स कलर्स, मतलब दे हैव सॉर्टेड आउट एवरीथिंग एंड आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू गो एंड मेक सम कैंडल्स. इसको ना मैं आराम से ट्राई करना चाहती हूँ ऑन अ सोलो डेट. सो यू गोना सी इट राइट नाउ, बट लेट्स पूरा माहौल बनाते हैं एंड देन Try making these candles. Must with the settings and I opened the kit up and dono molds se I thought dono hi bana lete for the first go. First step was ki we had to prick a hole candle ke ekdam beech mein with the stirrer jo unhone diya hua tha. This was a little tricky. Safety pin se na better padta but mujhe na thodi aalas aa rahi thi to search it, so this is how I did it. Fir thoda sa wax liya. Again they had given the grams mein measure but I didn't have a weighing machine ghar pe grams wala, to maine andaaz se thoda le liya. It's better to take less than more, क्योंकि अगर कम पड़ेगा ना इट मेल्ट्स इन लाइक 2 मिनट्स. तो आप थोड़ा थोड़ा और मेल्ट करके डाल सकते हो, पर अगर ज़्यादा बन गया देन वॉट टू डू ऑफ इट, यू नो. सो आई मेल्टेड इट इन अ नॉर्मल पैन एंड देन टुक इट इन डिस्पोजेबल ग्लास. फिर उसमें पिगमेंट ऐड करी एंड फ्रेगरेंस ऐड करी. आई लाइक लैवेंडर एंड लेमन ग्रास तो वो वाली डाली एंड देन आई लेट इट सिट फॉर अ प्रॉपर ओवर नाइट. मैंने शाम को कुछ 7 PM तक करा था एंड द नेक्स्ट डे आई अनमोल्डेड एट लाइक 12 PM. दे टर्नड आउट सो परफेक्ट, इट लुक लाइक वी गॉटन देम फ्रॉम द स्टोर ओनली. मैंने थोड़ा सा बर्न किया बिकॉज ना खुद बनाया है, सो इट्स सो प्रेशियस. इट टर्नड आउट वेरी वेरी वेल. 10/10 फॉर दिस.
this brand, I am the most excited to try it. Because ये मुझे लगता है कि how is this possible? So we have Terms का एक T-shirt. Now this brand actually had only two products on the website, which were like the hero products, the T-shirts and the socks. So the socks were anti-smelling socks. इसमें से smell नहीं आएगी and you will always feel comfortable. But they were quite pricey. I think they were like 1,000 rupees a pair approximately or two. But the T-shirt, they're claiming, will never stain. And that is why I ordered a white T-shirt from them. कि ये तो ultimate test हो गया यार. Like if you, when we wear makeup also, पहनते वक्त ही collar पे सीधा foundation लग जाता है. And I'm gonna try it the hard way with haldi and coffee. And that's how we're gonna see if Terms is actually stain free. मुझे तो लगता है कि इसको wash करके भी देखना चाहिए if like the coating stays for how long. But for that you have to follow me on Instagram. It's at Hailey_Wade. And that's why I'm going to keep you updated on how it's wearing after the wash. It was very interesting to see that they had a lot of pictures of Dhoni wearing their T-shirt. Which is a big deal to be honest. And here we have it. मैंने थोड़ा oversized order करा because that's how I like my T-shirts. I like them to be a little baggy. Branding बहुत ही minimal है, which I really like. And T-shirt ऐसा touch करते से एकदम कुछ अलग feel नहीं कर रहा है. It does feel premium to वो Calvin Klein के T-shirts का जो feel होता है ना, like very stretchy but still very thick and firm. वैसा वाला vibe है इस T-shirt का. Claims written inside is stain repellent, anti odor and stretchable. Wow. So if we sweat, तो भी odor नहीं आना चाहिए. I ordered in the size extra large and ये 999 का पड़ा मुझे. Intelligent apparel is embossed on the side of the T-shirt. Are you ready for the ultimate test? Because if this works, it's going to be a lot of fun. And we can prank someone also. कि oh my god, मैंने कॉफी गिरा दी. Let's see. Okay, let's try this out. We're in the Terms T-shirt. It looks pretty good. I'm not gonna lie. Like the baggy fit, it's perfect. But मैं ना इसको test कर रही हूँ नीचे के half में, so that even if it actually stains, we can still you know crop it and use it. We're not gonna waste 1,000 rupees. So with me I have some haldi in this dabba, and first we're gonna try with dry haldi. Pooja mein nahi khelte. I mean, I know of course you can't wear white to a pooja, but in case you drop any haldi wala khana or drink, then what will happen? This is dry. Now let's put some pani on this. Well, it's not looking stain free to me right now. ये तो मुझे लग रहा है कि पीला हो गया है. वॉश करके आती हूँ. विथ सोप लेट मी वॉश इट. कम यू ऑल्सो कम यू वॉश इट टुगेदर. For me, in the first wash, it didn't really come out. I used the normal Dettol hand wash that I had. So I don't know if there are any terms and conditions mentioned. मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, but this is my experience, raw and real for you, कि हल्दी के साथ ये हुआ है. Let's try a bit of coffee. Okay, this is sliding off. And my pants are also gone. But हाँ, इसका देखते निकलता है कि नहीं. As you can see, उसका बिल्कुल stain नहीं है. हाँ, इधर थोड़ा है. अच्छा, वो भी निकल रहा है. So with liquids, this is working really well. With the haldi, I don't know what went wrong to be honest. But अगर liquids के साथ भी it's working, then it's effective. I think it's 6/10. क्योंकि stain repellent मतलब पूरा stain repellent is what I was expecting. I'm going to now get that much cropped. Or probably send it for dry cleaning. मुझे ना इतनी भूख लगी है, so we're back to test the last brand for this video, which is the Cinnamon Kitchen. They are a very clean foods brand where there's like no sugar, no flour, PCOS friendly, gluten free, and इतने सारे options थे on the website, like there were chips and cookies and what not, but you know everything was sold out. So I think कि when brands are going on Shark Tank, they should be prepared for the extra volume of orders. क्योंकि see मैंने एक बार check करा and I ordered once what I wanted to order, but repeat customers थोड़े difficult हो जाते हैं if they don't get something for the first time. So out of the 6-7 things that was still in stock, I chose to try the fudge little pieces because that was their best seller on the show. Like they really highlighted this particular product. And if you like Nutella, we have a healthier version of it. So अगर ये अच्छा निकल गया ना तो roast bread पे ये खाने में क्या ही मजा आ जाएगा. Because the actual Nutella actually has a lot of oil, a lot of sugar and very little amount of cocoa and hazelnut. So it's not the healthiest to be eating every day. इसलिए मैं घर पे लाती ही नहीं वो जार, वरना तो मैं खाऊंगी.
They're also vegan, which is interesting for a dip. It's not very easy to make vegan dip. इसका shipping delayed था, सबसे last यही आया. And they also make, I think, half a 1 kg cakes, but that is only for people living in Delhi. I don't think they've opened like a cloud kitchen system for other cities like Mumbai and all. But here we have it. Packaging काफी अच्छी है, like the golden lid. The pastel purple packaging. Text is a little difficult to read. पतला सा है, छोटा सा है. Aesthetic के चक्कर में I think that has happened. But अगर हम nutritional information की बात करें, so there's 2 grams of protein, there's 0.9 grams sugar, but I think उसका source natural है. Oh, ingredients में there's 80% hazelnut. And as per the government norms, जो सबसे ज़्यादा होता है ना, वही चीज़ पहले आती है in the ingredient list. I'm already sitting with a spoon. Please be good. Oh. 25% तो खाली है यार. How much? This is supposed to be 200 grams. The manufacturing date in this is 10th February 2024, which is good because I think I ordered this around like 8th or 9th February. तो उन्होंने काफी fresh stock दिया है. 2 months रहेगा ये. Let's do the lick test. It doesn't taste like the actual Nutella. No, it doesn't taste. I think it's 50-50 like that because it's bahut hi kam sweet hai. The actual Nutella is just too sweet. This is bitter. I like it. But agar aap Nutella se compare karoge, same taste nahi hai. Bilkul bhi same taste nahi hai. It's very tasty. But it's like proper almond butter ya peanut butter wala texture hai. Nutella nahi lag raha ye koi bhi angle se. But I'm still gonna finish this. Not sure if I would order this again, especially of thinking of Nutella in my mind. This product I'll give an 8/10. 2 points I'm only cutting क्योंकि मेरे दिमाग में मेरी expectation इसके नाम के वजह से वो दूसरे product की थी. But if I forget that, then this is damn good. Let's try the fudge because उसको बहुत appreciation मिला था show में. Here we have it. This is O fudge sweetened using dates with a hazelnut praline toffee crunch. Oh, I forgot to tell you, the Nutella was for 550 the whole jar. And the fudge is for 200, मतलब per piece का 100 rupees ना, 2 pieces वाला pack I bought. For some reason ना ये wrapper देख के मुझे Ferrero की याद आती है because this particular wrapper is very much used in that. ये बहुत अच्छा है. This is very very good. Truffle जैसा taste है इसका. Fondant chocolate balls, yeah, so 10/10. But that's the thing. इसमें स्वीटनेस काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू दैट. सो अगर कुछ डिजर्ट ऑर्डर कर रहा है ना, अनलेस इट इज़ मेंशन 70% डार्क और 90% डार्क, आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि खाते से स्वीट लगेगा. सो दैट परसेंटेज मेंशनिंग वुड हैव हेल्प्ड, यू नो, डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी वेरी स्वीट. बट अदरवाइज द कॉन्सेप्ट एंड द आइडिया ऑफ द ब्रांड इज वेरी नाइस. इफ दे कम ऑन स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट या ज़ेप्टो तो काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा बिकॉज आई यूजली ऑर्डर स्नैक्स इम्प्रॉम्प्टू ना, ऐसे प्लान नहीं करते कि एक हफ्ते बाद का स्नैक्स अभी से ऑर्डर करूँ. बट या ओवरऑल आई गिव दिस ब्रांड 8/10. मज़ा and fudge is something I'm definitely gonna order again and I hope the chips come back soon so we'll try that out. But yeah, this was me trying out Shark Tank India ke 6 alag alag brands. If you're enjoying watching this series, tell me if I should make like a part 4 for this because we've already done 3 before, and comment down a red heart if you want episode 4. Sabhi products ke links description box mein hai if you want anything, and I'll see you in a brand new episode very very soon. Until then, goodbye.